देसी कलाकार। नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि हम उन कलाकारों तक आपको पहुंचाएं जिन्होंने कला इस क्षेत्र में अपना एक नाम, एक अपना एक मुकाम जो है वो हासिल किया। और एक खास मेहमान हमारे साथ आज है जो खास हमारे नागपुर से हैं लेकिन फिलहाल दुबई में काम करते हैं। सबसे खास बात, वो एक एंकर है, वो एक रैपर है, वो एक राइटर है और एक बीट बॉक्सर भी है और खुद की उनकी एक बहुत ही अलग दुनिया है। तो जिसके बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई वो वर्धमान आज हमारे साथ है। तो वर्धमान, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अमोल भैया। मैं इनको अमोल भैया कब से बताऊँ, जब से मिला हूँ, क्योंकि आई रिमेम्बर मैं जब कॉलेज में था, मतलब रूट्स इतने ज़्यादा अटैच रहे नागपुर से कि जब मैं कॉलेज में था तभी आते थे, सारे शोज़ यही होस्ट करते थे और सब लोग अमोल भाई चिल्लाते रहते थे। सो तब से मेरे को यू नो याद है। एंड टुडे द सर्कल हैज़ कम्प्लीटेड इटसेल्फ, एक सर्कल कम्प्लीट हो गया है दैट आई मेट यू एट दैट डे एंड आज मैं आपसे मिला हूँ। सो वापस से वही रिफ्रेशिंग लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड Being back in home is like magic. मतलब अच्छा ही लगता है यार, घर है अपना, यहीं पे बड़े हुए। क्या बात है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाके establish होना। Thank you. मेरा हमेशा से पहला सवाल यही होती है, शुरुआत कहाँ से हुई, कब वो करंट लगा कि चलो यार ऐसा कुछ करते। सो रिसेंटली मैंने एक गाना लिखा था इसके ऊपर जिसका नाम है नागपुर से दुबई, मुंबई से दुबई। उसमें सब कुछ एक्सप्लेन, उसमें पूरी कहानी है। हाँ, वो अभी रिलीज नहीं किया तो मैं बोल देता हूँ। तो बात है 2016 की, माँ बाप ने बोला बेटा रोना नहीं, हो कर भी बड़ा कभी होना नहीं, सरकार ने बेटा अब ली, सत्कार है मेरा पर अकार नहीं, खुद को भी बेचा तो तू जाएगा ही, बेटा तू है मेरा उद्धार का नहीं, उद्धार कर खुद किसी और का नहीं। 2017 बांध के बस्ता, पकड़ा मैं रास्ता, सपना ना सस्ता, नाउ आई फील आई एम सो लकी। बात है 2016 की। सो 2016 में इंजीनियरिंग खत्म होने वाली थी मेरी, 2017 में मेरे को रेडी होना था कि मैं निकलूँ वहाँ से, पापा ने बोला था और मेरी भी इच्छा थी कि हमेशा तो मैं बाहर जाऊँगा ही, क्योंकि मेरे को एक्सपोजर चाहिए और दुबई जैसी अच्छी प्लेस विद 200+ नेशनलिटीज नोवेयर। तो दुबई का फिर डिसीजन बनाया, MBA करने गया वहाँ पे मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, एंड विद दैट माय परफॉर्मेंस नेवर लेफ्ट मी। मैं कभी परफॉर्म करना, MCing करना, रिकॉर्ड करना, लिखना, ये सब नहीं छोड़ा। एंड करंटली आई एम डूइंग अ जॉब एंड एन RJ जॉब एंड ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एज वेल। मैं कहूँगा पैसा पानी तुम्हारा पहला गाना था। yes. तो कब मतलब कलम चली कि यार, क्योंकि मतलब स्टेज पर तो तुम थे ही, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आर्ट से दूर थे, लेकिन ऐसा कहते कि इतना सब करना उतना आसान नहीं होता। किसी एक जगह पर फोकस करे तो शायद मुश्किल, पर तुम इतनी सारी चीजें लेकर चलते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कलम से कब अल्फाज निकले कि नहीं यार रैपिंग भी करते हैं अपन। हाँ, सो सबसे पहले तो कॉलेज में एक गाना लिखा था मैंने। अच्छा, ठीक है, वो कुछ गलत हो गया था। ओके, तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया था, मैंने कहा कि इसको चैनल करते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद वो गाना रखा रहा वहाँ पर 2-3 साल तक। फिर एक बार क्या हुआ ना, मैं दुबई में ना, मैं एक टाइम पे शाम को MBA भी कर रहा था और दिन में 3 जॉब्स भी कर रहा था। सो दिन में जॉब करके मुझे मेट्रो से वापस आना पड़ता था, मेट्रो स्टेशन पे बहुत प्यास लग गई थी उस दिन, पीने के लिए जेब में सच में पैसा नहीं बचा हुआ था और एकदम इंडिया तो है नहीं कि जीपे कर दिए, घर से कैसे मंगाओ एकदम, तो घर से वैसे भी नहीं मंगाना था, फीस भी अपन खुद ही पे कर रहे। तो उस दिन ना मैंने बस जाके बोला कि यार पानी पिला दो, तो उसने मेरे को ऐसा इस तरीके से देखा कि कैसा गरीब टाइप आ गया। तो उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा, बोलता है कि क्यों पैसे नहीं, बोला नहीं पैसे नहीं है। सो बस उस दिन अपन बैठे स्टेशन पे, अजीब सर हुआ, पापा को फ़ोन किया, पापा बोले टेंशन नहीं है, चलते रहो तुम पहुँच जाओगे। बस फिर मैंने गाना लिख दिया, लिखा, 2 दिन में रिकॉर्ड किया, 1 दिन में शूट किया और 5 दिन में रिलीज कर दिया। कोई इंस्पिरेशन रहा होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हर कलाकार के पीछे किसी न किसी की इंस्पिरेशन होती है और कलाकार झटकों से ही बनते हैं, तो कोई इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन मेरा ना हमेशा से लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन ही इंस्पिरेशन रहा है, सेल्फ एक्सपीरियंसेस ही इंस्पिरेशन रहा है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि आइडल कोई है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंसेस। यस, मेरे को थोड़ा सा योजो हनी सिंह बहुत पसंद थे पहले उस टाइम पे, अभी भी उनका वाइब कैरी करते हैं वो, बादशाह है, रफ्तार है, ये सब लोग बहुत मतलब एक लेवल बना चुके अपने हिप हॉप, यू नो देसी हिप हॉप में। सो ये लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं। व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ वर्ल्ड, ट्रेविस स्कॉट है, लिल वेन है, Eminem, वो तो गॉड है, ठीक है। ये सारे लोग मुझे मोटिवेट, एज इन मैं इनको आइडियलाइज करता हूँ। एंड मोटिवेशन हमेशा मेरे को सेल्फ ही आते रहा है कि मतलब कुछ गलत हुआ तो कुछ अच्छा कर लेते हैं ना, कुछ गलत ही तो हुआ है, इज ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट। सो गलत तो हो गया है, अब क्या बचा है, तो अच्छा कर लेते हैं।
2017 से 2021 चार साल में 9 गाने तुमने तकरीबन बना लिए। चार साल में 9 गाने नौ गाने जो है बना लिए। मैं कहूँगा गली बॉय आई 2 साल पहले, तो उस गली बॉय से रैपर्स की जिंदगी पर बहुत बड़ा इफेक्ट आया, चेंज आया। तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज हुआ कि नहीं? मेरी लाइफ में चेंज हुआ, सोशल मीडिया बहुत रिसेप्टिव हो गया, लोग लेने लगा वो सारी चीज़, रिसेप्टिव हो गया हिप हॉप को लेके, ज़्यादा स्टेजेस खुलने लग गए जहाँ पे यू नो जहाँ पे जो भी गिग्स नहीं मिलते थे बड़े बड़े क्लब्स में, वहाँ पे गिग्स मिलने लग गए। सो बस यार मतलब हेल्प तो हुआ है। एंड टेक्निकली मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं रैपिंग करना 2018 एंड में, उसको 2019 नहीं पकड़ूंगा क्योंकि 2018 एंड में मेरा गाना ऐसा पानी निकला था। सो 2019 से 2020-21 तक के मेरे पास अभी 9 गाने निकल गए, अभी 32 और रखे हुए हैं क्योंकि एक एक गाने का वीडियो निकालता हूँ मैं। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये आरजे भी है, ये एंकर भी है, ये सिंगर भी है, ये बीट बॉक्सिंग भी करता है, ये रैपिंग भी करता है, तो अलग अलग पहलुओं पे हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो पहलू पे हम बात कर रहे हैं वो है रैपिंग। yes. तो उसकी पहले पूरी से मालूमात ले लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे इसका स्ट्रगल कैसा रहा। मैं कहूँगा कि इंस्पिरेशन तुमने बता दी कि तुम्हारे लिए तुम खुद ही इंस्पिरेशन हो, गली बॉय से भी तुम्हें जो है वो एक चेंज मिला। मैं कहूँगा हर रैपर की ना अपनी एक थ्योरी होती है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे लिखते हैं, कुछ लोग ऑब्जर्वेशंस पर लिखते हैं, कुछ लोग हाइपोथेटिकली लिखते हैं, उनकी ख्यालों की दुनिया होती है। जब आप लिखते हो तो किस बेस पर लिखते हो, आधार क्या होता है? रियलिटी, जो मेरे साथ हुआ है, जो सोसाइटी में हो रहा है, और जो मुझे फील हो रहा है कि ये क्वेश्चनेबल है, सही नहीं गलत नहीं, क्वेश्चनेबल। क्या मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्या मैं इसको टॉपिक निकाल सकता हूँ? ये बहुत कॉमन चीज़ है ना, जैसे ज़रूरी है कि मेरा एक गाना जो सबसे हिट गया वो क्या है, वो बस मैं मुझे दिमाग में आया, मैंने बैठ के 45 मिनट्स में वो गाना लिखा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में वो एज एन आर्टिस्ट मेरे को बस क्वेश्चन आया और मैंने उस गाने में भी बोला कि एज एन आर्टिस्ट बस लिख दिया मैंने, इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन। सो मेरा बेस रहता है रियलिटी। मैं गाड़ी, पैसा, पार्टी, लड़की, दारू, ये सब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं करूँगा, ये कमर्शियल है, ये भी चलता है और पब्लिक एक्सेप्ट करती है इसलिए चलता है। सो ये भी, ये एक आर्टिस्ट का अलग जॉनर होता है, अलग लेवल होता है। अभी मेरा इससे मन भरने का, मैं ये करूँगा, नॉट कमर्शियल जाऊँगा मैं, पैसा सबको कमाना है यार, ठीक है, पैसे की प्यास सबको लगती है, सिंपल सी बात है। अभी मेरा रियलिटी है, जैसे ज़रूरी हो गया, क्या हो गया, पैसा पानी हो गया, कोरोना, जो कोरोना एंथम जो है, जब मैं नागपुर में 5 महीना अटका था कोविड के टाइम पे, तब का गाना है वो हो गया, खोखला नशा हो गया, और पैसा पानी अपना गीला पानी है मेरा जो एक और आने वाला है अभी वो हो गया, एप्पल जूस है मेरा लोगो रिवील है, उसका तो मैंने पहले ही बोल दिया, उसका गाना मतलब ही मत समझना, वहाँ एप्पल यो बनाना नो एप्पल जूस ये बस इतना ही है, और स्वैग मेरा सिंधी। सो मेरे सारे गाने अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, सो आपको म्यूजिक भी अच्छा मिलेगा और रिलेटेबल लगेगा, ऐसा लगेगा अपनी जिंदगी की बात हो रही है। तो मेरे साथ भी हुआ है, समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी कि जो अपन देख ले, और मेरा हमेशा एम ये रहता है कि मेरे गाने 3 जगह चले, नागपुर में नहीं, कार, कार बार कार, नहीं नहीं नहीं, कार क्लब और कॉन्सर्ट, अच्छा, ये 3 C कार क्लब कॉन्सर्ट, यहाँ पे चल गए तो फिर बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि हर माँ के लिए ना उसका हर बच्चा एक जैसा होता है, तो तुमने जो क्रिएशन किया उससे तुम्हारे लिए सारे ही गाने अच्छे होंगे, बट कुछ गाने ना दिल के बड़े खास होते हैं, तो मतलब वो कौन सा सरप्राइज लगता है कि ये वाला कैसे निकल गया। हाँ, तो वो कौन सा गाना है जो तुम्हारे बहुत करीब है, और अगर लाइनें सुना पाओ उस गाने की तो बहुत अच्छा। और मैं कहूँगा जो लोग हम देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तुम उन्हें भी बता दो कि तुम्हारे गाने अवेलेबल कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स पर है, कहाँ कहाँ पर है, अगर कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, इतने स्मार्ट हैंडसम है मेरे ख्याल से, तो बहुत सारे लोग इसे फॉलो भी करना चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर ID भी बता। बिल्कुल, सो मेरे गाने अवेलेबल है यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूज़िक पे, हंगामा पे, अमेजोन म्यूज़िक पे, टिकटॉक, IGTV, IG म्यूज़िक, सब जगह आपको बस टाइप करना है वर्धमान। ऑन इंस्टाग्राम इट इज़ वर्धमान ऑफिशियल विदाउट एनी स्पेस, वर्धमान ऑफिशियल। फेसबुक पे वर्धमान छाजेड CHHAJED, थंबनेल में तो आ ही जाएगा, ठीक है, और हर जगह बस म्यूज़िक, मेरा इंस्टाग्राम म्यूज़िक पे भी है मैम, लाइक सारे रील्स के लिए भी बहुत इजीली अवेलेबल है। यूट्यूब पे काफ़ी मैं पुश करते रहता हूँ, बिकॉज यूट्यूब का व्यूज़ हम लोग को हेल्प करता है एज एन आर्टिस्ट, बहुत ज़रूरी है, स्पॉटिफाई मेन, सो हर जगह गाने अवेलेबल है। और आपने पहला इसके बारे में मैंने पूछा कि कौन सा गाना तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब, दिल के बहुत करीब मेरा एक गाना है नागपुर से दुबई, वो तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था क्योंकि वो एक्चुअल जर्नी है मेरी, ऐसा आया हूँ मैं। दूसरा है यार, अभी रिसेंटली लिखा मैंने, बनाना बनानास,
बनाना बनाना मतलब इंग्लिश में होता है कि मैं आपके लिए थोड़ा पागल हो रहा हूँ, ठीक है? तो इट्स अ लव सॉन्ग। सो रिश्ता तेरा मेरा जैसे ताले और चाबी का, रिश्ता तेरा मेरा जैसे आसमान और जैसे पंछी का, रिश्ता तेरा मेरा जैसे टायर और जैसे चक्की का, रिश्ता तेरा मेरा जैसे मछली और जैसे पानी का, आते जाते तेरी ये बातें ही रह जाती है, याद आती है मुझे तेरी वो बच्चों वाली बातें, आई लव यू मैं तुझको बोलूं मम्मी पापा से मिला के माँ कसम, सही है मेरे इरादे, आई गॉट फीलिंग्स फॉर यू, दैट्स व्हाई आई गो I go, I go, I go banana, 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 bananas for you. I go banana, bananas for you. So ये थोड़ा commercial trip है. Thank you. क्या बात है? मैं कहूँगा कि मुझे rappers लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि फटाफट उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें आती हैं, फटाफट वो बोल भी देते हैं, लिख भी लेते हैं, काम भी कर लेते हैं. मतलब rappers के गाने बहुत जल्दी ही बन भी जाते हैं. और ये गाना इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एंड शाउट आउट टू डैरिल, डैरिल और मैं हम लोग बस ऐसे ड्राइव कर रहे थे, एक गाना मेरा उसका बहुत जल्दी आ रहा है, ओके बस ऐसे ड्राइव कर रहे थे और एक ये म्यूजिक बजा और मैंने बोला कि अरे बनाना बनाना, और 20 मिनट में अमोल का गाना बन गया. क्या बात है मैं कहूँगा कि जब से ही हम लोग मतलब हमारे कल्चर में ऐसा बोलते हैं, मतलब और जैसे कि अभी तुम दुबई में हो लेकिन मुंबई पुणे में तो चलो ठीक है, तू सिंगर बनना चाहता है, तू डांसर बनना चाहता है, ठीक है तू बन जा, बट नागपुर जैसे शहर में फिर भी अगर घर वालों को बोलो कि मुझे गाना करना है, मुझे रैपिंग करनी है या फिर मुझे और कुछ करना है और मैं दुबई जाना चाहता हूँ, तो घर वाले शायद एक्सेप्ट ना करें. घर वालों का कैसा रवैया था, घर वालों का कैसा सपोर्ट था? घर वाले मेरे हमेशा से सपोर्टिव रहे, थैंक यू, गॉड ब्लेस देम फॉर दैट. लेकिन उनको उनका सपोर्ट निकालना पड़ता है. एवरी वन वॉचिंग दिस इंटरव्यू, पेरेंट्स वो भी इंसान है, उनको भी सब कुछ नहीं समझता है, उनका सपोर्ट आपको निकालना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि यार ये चीज़ है और ये जैसे रैप बीट बॉक्सिंग कि मम्मी पापा देखो ये सच में चीज़ है, ये बढ़ रही है, उनको दिखाओ प्रूफ. उसके बाद खुद के ऊपर काम करो, थोड़ा स्टेज पे परफॉर्म करो, थोड़ा न्यूज़ में नाम लाओ, थोड़े इवेंट्स करो, फिर बोलेंगे. जब खुद से कॉल आता था ना उन लोगों को कि यार इसका ये न्यूज़ में आए तो इतने यहाँ परफॉर्म किया, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होस्ट कर रहा है दुबई में, तो कलर्स टीवी पे आ गया दुबई में और यहाँ पे, तब अच्छा लगता है. तो प्रूफ के बिना कोई इंसान नहीं बिलीव करेगा, तो आपको समझाना है, आपको उनको बोलना है थोड़ा सा टाइम दो मैं कर लूँगा. और मैं हमेशा से उनका भी साइड सोचा, आई वॉज ऑलवेज एम्पेथेटिक विद देम. उन्होंने क्या बोला कि अगर ये सब करना है ना तो करियर भी सेट करो. सो ठीक है, आई वेंट ओवर देयर टू कंप्लीट माय एमबीए इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस. आई टुक 2 years, आई कंप्लीटेड इट. उसके बाद आई जॉइंड अ वेरी गुड कंपनी, आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम हेडिंग द सेल्स ऑफ अ वेरी बिग कंपनी. सो दिन में जॉब होता है, फिर अर्जिंग होती है, फिर वीकेंड को ये सारी चीज़ होती है. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड. यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. अगर आप नहीं समझा पाओगे, सो आई थिंक दैट्स नॉट योर पेरेंट्स फॉल्ट, आप नहीं समझा पाए. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपने माँ बाप को जिंदगी में अगर कन्विंस नहीं कर पाया ना, वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता. और एक और चीज़, माँ बाप का जो किसी का ना हो सका ना, लॉयल उससे नहीं हो सका, तो किसी का नहीं हो पाएगा. ये बात भी सही. मैं ये कहूँगा कि हम रैपिंग को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, और ये बींग आरजे भी है और एक अच्छे एंकर भी है, तो इट्स डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन एक स्टूडियो के अंदर काम करना और बाद में ऑडियंस में आके काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. प्रिपरेशंस कैसे रहती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है आजकल बड़ा इजी है यार माइक लेके, तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें लगता ही है. तो थोड़ा बताओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कैसा है? जी सो देखो, जैसे आरजेइंग के लिए एंड मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अनटिल द टाइम यू आर एयर, ऑन एयर, लाइव नहीं हुआ. 6 महीने का घसना पड़ता है भाई, आपको हाथ अपने घसने पड़ते हैं, घसते रहो. 30,000 सॉन्ग्स का सॉर्टिंग, ठीक है, ये सिर्फ हाफ इंडियन, उसका सॉर्टिंग, उसका टाइटलिंग होता है, उसके बाद में उसको प्लेलिस्ट बनाना पड़ता है, आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर वॉइस ओवर सीखना पड़ता है. फर्स्ट स्टेप, सेकंड आता है वॉइस ओवर, थर्ड आता है कमर्शियल्स, फोर्थ आता है आपको रेडियो वॉच जो सॉफ्टवेयर रहता है वो सीखना पड़ता है, उसके बाद आता है आपको कमर्शियल्स, सारे लिंक्स आपके लाइनअप्स, ये सारे सीखने पड़ते हैं, पूरा नॉलेज लेना पड़ता है इंडस्ट्री का, तब आप पहला शो पे आते हो, पहली बार लाइव जाते हो. सो वो डिफिकल्ट है यार बहुत, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. एमसीइंग मैं जेन्युइनली, मैं बहुत सच्चा टाइप का आदमी हूँ भाई, तो मैं जेन्युइनली बोलूँगा एमसीइंग के लिए मैं प्रिपेयर नहीं करता. ओके. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो नेचुरली आती हैं. हाँ देखो ना, सिंस आई वाज अ चाइल्ड मैं स्टेज पे चढ़ जाता था. ओके. मैंने मेरा पहला माइक पकड़ा है कुछ 10-12 साल की उम्र में, नहीं 8-9 साल की उम्र में, ठीक है, और मैं चढ़ जाता था, और तब से फिर मेरे को वो अच्छा लगता था स्टेज पे चढ़ना. ऐसे करते फिर कॉलेज से फिर इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, दुबई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुबई गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, टीवी, हर जगह बस आती गया. सो इट इज़ बेसिकली माई हॉबी. मतलब मज़ा आता है, मतलब एकदम मुझे मज़ा आता है.
और ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं भी करते, पर जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया यहाँ पर दुबई में, उनको पता है आई डोंट वॉन्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कोई देता है ना मेरे को अगर इवेंट होस्ट करने का, उनको चिड़ होता है। अच्छा, मेरे को स्क्रिप्ट मत दो, मेरे को बस अब ये दो कि टाइम इतना इतना ये इस पे खत्म हो जाना चाहिए, कंटेंट आप बता दो, मैं इंप्रोवाइज कर दूं। सारा इम्प्रोम्प्टू रहता है मेरा सब कुछ। सो फॉर सम पीपल इट इज नेचुरल, बट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ टीम ऑफ एमसीज एज वेल, यार उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो इंसान नेचुरल नहीं है और उसने स्किल सेट डेवलप किया है खुद से, सो इट इज़ डिफिकल्ट। उनको लिखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है इवेंट कैसे, उनको समझना पड़ता है ऑडियंस कैसी है, उनको समझना पड़ता है कि टारगेट ऑडियंस जो हमारे टीजी सामने 5-4 लोग खड़े हुए हैं उनका एज ग्रुप क्या है, उस एज ग्रुप के हिसाब से कौन सा गाना बजना चाहिए और कौन से गाने पे किस पिच पे मेरी एंट्री होनी चाहिए। ये सारी बेसिक जो चीज़ें रहती है ना, ये सारे इन चीज़ में कॉमन रहती है, बट किसी को ये नेचुरली आता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है और ऑन टाइम बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, और किसी को डेवलप करना पड़ता है। सो डेवलपिंग पार्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हर एक की बस की बात नहीं। अगला सवाल मैं ये कहूंगा कि कल्चरल डिफरेंसेस बड़े हैं। हाँ हाँ, तुम नागपुर से मुंबई काम नहीं कर रहे हो, सीधा नागपुर से दुबई काम कर रहे हो, तो टोन का फर्क पड़ जाता है, लोगों का फर्क पड़ जाता है, लोग हमें लेंगे नहीं लेंगे, तो फिर वो सारी चीजें तुमने कैसे मैनेज? वो मैंने ऐसे मैनेज की, सबसे पहले एक्सटर्नल मैनेज करने से पहले हमको इंटरनल मैनेज करना पड़ता है। राइट, सो लोग लेंगे नहीं लेंगे मेरा टेंशन ही नहीं है, मेरा टेंशन क्या है, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। राइट, सो पहले ये तो फिक्स हो गया कि भाई मुझे तो देना है। दूसरा कि अगर बाहर तुम तालाब से आए हो ओशन में, तो तुमको फिर तैरना भी तो उस स्पीड से पड़ेगा ना। सो आई मीन टू से लर्निंग अडेप्टेबिलिटी, कि अगर मैं ये माइंडसेट से जाता ही नहीं कि नहीं मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी स्टेज पे, मुझे वहाँ की एक्सेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात हबीब की फहलह कुलतनाम ज़ैन, ये सब करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होता था। राइट, उसके बिना मैं एंगेज कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ऑडियंस इंडियंस बहुत है लेकिन वो और मतलब लोकल्स भी तो है ना वहाँ पे। उसके बाद तो ये अडेप्टेबिलिटी होगी कि भाई सीखना भी है हमको, स्टेज पे हमेशा सीखना है। और थर्ड कि भाई यही तो करना है, इसके अलावा इस, इसकी तो इच्छा है मेरी, ये मेरी इच्छा है, बाकी सब मैं करता हूँ कंपल्शन की वजह से। जॉब है, चलो वीजा लगता है, आपको पैसा लगता है, चलो घर पे भेजना पड़ता है, चलो फीस पे करना पड़ता है, ओके। इच्छा क्या है ब्रो? इच्छा ये है ब्रो, तो ब्रो ये करेंगे ना ब्रो, बस ये इच्छा से हमने काम शुरू किया। उसके बाद फिर अपने आप मिलते जाता है, फिर आप अपने आप कॉल करते हो, अपने आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, अपने आप इवेंट कंपनी ढूंढते हो, अपने आप शुरू करते हो। भरदवाल ने एक बात बिल्कुल सही बोली कि आप है ना अंदर से एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ। जिसको करना है वो सब कुछ कर सकता है, जिसको कुछ नहीं करना वो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। बीट बॉक्सिंग पे आते हैं अभी, तो एक झलक उसकी भी हो जाए, उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा क्योंकि गले को बहुत मतलब तकलीफ देनी होती है बीट बॉक्सिंग, इट्स नॉट दैट मच ईजी। आसान नहीं और इको नहीं है ना, तो आपको फील आ जाता कि म्यूजिक पूरा भरा भरा सा है। बेसिकली इसका एक और वैल्यू एडिशन बहुत होता है जब माइक आता है, क्योंकि ऐसा था मैं इतनी सारी चीजें कर रहा था जो अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो ट्रिबल पे नहीं, वो थोड़ा सा बेस के साथ में आउट होना चाहिए, तब मजा आता है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी मौका मिले और दुबई जाए तो जरूर हमारे वर्धमान से मिले, और अगर आपके नसीब में हो तो कभी लाइव भी जरूर जो है वो इसे सुनिए। और जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है आजकल वो सब लोग करते हैं, और ऐसा ही कुछ ट्रेंडिंग वाला काम जो वर्धमान कर रहे हैं, नया गाना बन रहा है। मैं बताऊँ उससे अच्छा वो खुद ही बनाए कौन सा गाना है, किस पर बना रहे, कब आएगा, कब लोग देख पाए। सो एक कोरियन वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे भी बहुत वायरल हो चुकी है, जिसका नाम है स्क्विड गेम। सो ये गाना मैंने स्क्विड गेम पे बना दिया है, वीडियो शूटिंग हो चुकी है, बहुत अच्छे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो चुकी है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चला गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पूरा क्रू बहुत एक्साइटेड है। इट विल बी रिलीजिंग समवेयर बिटवीन 21st to 24th। ओके, बस मैं पूरा प्रमोशन के लिए रहूँगा यहाँ पर। क्या बात है, तो इन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, बस वर्धमान ऑफिशियल डालिए मिल जाएंगे आपको। और ये जो गाना इन्होंने बताया जो ट्रेंडिंग चल रहा है, और मेरे ख्याल से आप में से सभी लोग जो है ये वेब सीरीज जो है वो देख रहे होंगे, तो गाना भी ज़रूर आप लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि मेहनत वर्धमान ने इस गाने के लिए जो है वो बहुत बहुत की है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, कई बार ऐसा होता है सफर तो बड़ा लंबा कर लेते हैं, लेकिन पीछे देखते तो लगता नहीं कि ये सफर हमने किया है, तो तुम्हारे लिए सफर जो है वो क्या डिफाइन करता है, मतलब कैसे डिफाइन करोगे उस सफर को, जो 4 या 5 साल का जो सफर रहा है तुम्हारा? क्योंकि मैं कहूँगा इतना आसान नहीं होता, एक शहर से दूसरे शहर, फिर खुद को जाकर नई पहचान मिला, उन्हें मतलब कोई पहचानने वाला नहीं है तुम्हें, एब्सोल्युटली कोई नहीं पहचान, और तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी है। अपने को अभी अपने को शोज भी मिल रहे हैं, अपन रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, अपन आरजेइंग भी कर रहे, तो इट्स नॉट दैट मुझे जितना सुनने में लगता है, तो कैसे डिफाइन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। खुद का साथ खुद ही देना पड़ता है, इसको मैं 10 सेकंड में प्रूफ कर दूंगा। आप दुनिया में आए अकेले हो, आप खाते अकेले हो, आप पानी अकेले पीते हो, आप वॉशरूम भी अकेले जाते हो, आप खुद ही उठते हो, खुद ही अगर व्यायाम करोगे खुद ही फिट रहोगे, और खुद ही मर के अकेले चले जाते हो, किसी को लेके जाते हो नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन हुआ? सेल्फिश की बात नहीं करूँ मैं, इंपॉर्टेंट की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन हुआ? मैं खुद, क्योंकि आप ही आपके लिए काम करने वाले हो और कोई नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले खुद के साथ रहना सीखो, जैसे ही रहना सीख लोगे ना तब आपका एक क्लैरिटी आ जाएगा। दूसरा, अब न्यू सिटी भी नहीं है, न्यू कंट्री है, यहाँ पे तो मतलब पैसा भी नहीं है, अलग करेंसी है, क्या कुछ समझ नहीं रहा, चल क्या रहा है, ऊंट का दूध मिलता है यहाँ पे, क्या करूँगा, मेरे यहाँ तो गाय का मिलता था भाई। सो ये सब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहुँचा। लेकिन सबसे अच्छी बात ना जो आपने बोली कि कोई पहचानता नहीं है, यहाँ पहचान बनानी है, मेरे लिए सबसे अच्छी बात वही हुई थी कि यार कुछ कोई नहीं पहचानता है, मैं अगर रोड पे भी बैठ जाऊँ तो मेरे को कौन पहचान रहा है। हाँ, ये भी एक प्लस पॉइंट, वहाँ पे तो मैं वर्धमान छाजेड, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, यहाँ पे तो मैं वर्धमान छाजेड जो मैं खुद को बनाने वाला वो हूँ। सो बस रोड पे अपन हम लोग घूम रहे हैं, एक दो दिन घूम रहे हैं, नहीं रह रहे, बस ऐसे ही बैठ रहे, चिल मारे सारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर घर मिला, फिर धीरे धीरे करते 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 बस इच्छा होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपको कुछ ना कुछ करने की, मेरा एक डिटर्मिनेशन था कि मैं अगर दुबई आया हूँ ना तो हार के नहीं जाना है, दुबई ना कुछ तो कर गए, कुछ ना कुछ जो मेरे को चाहिए वही कुछ करके मेरे को जाना है। दुबई मेरे को जीतना है कैसे भी। जिस दिन मैं दुबई लैंड किया था, मैं आरजे पे रेडियो पे सुन रहा था, वेद भाई को सुन रहा था, और मैं बोला कि यार एक दिन मैं आरजे बनूंगा, अभी 4 साल हुआ, 4 साल अभी कंप्लीट हुआ, मैं आरजे बन गया। तो ये जर्नी ना ऐसी लगती है कि वी फेल डाउन वी गॉट अप, वी फेल डाउन वी गॉट अप एंड लर्नड वन मोर थिंग, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, अकेले कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप खुद के लिए, मैं खुद को काम करने को बोल रहा हूँ, लेकिन अकेले आप इंटरव्यू में अकेले थोड़ी देर हो, आप ही ले रहे हो ना, ठीक है, टीम है। सो आपको लोगों को जोड़ते हुए जाना पड़ेगा। मैंने नेटवर्किंग को हमेशा पावर रखा। सो सबसे पहले हम मेरा इमोशनल क्लियर कर दिया मैंने, सेकेंड हो गया कि भाई हमको तो कोई जानते नहीं है, तो बनाने को तो सब कुछ है, अब कुछ
और तीसरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखा कि अच्छी जगह पे जाना, लोगों से मिलना, राइट राइट, खर्चा मत करो यार, पानी की बोतल ले लो, अच्छी जगह पे जाओ, लोगों से मिलो, लोग अपने आप फिर इवेंट देंगे और हमेशा हैप्पी रहो, दैट्स इट। और अपने आप ऐसे करते करते आप देखोगे कि पीछे अरे चल के आ गया हूँ, क्या बात, पहले एक भी गाना नहीं था, अब 9 गाने रिलीज हो गए, 32 गाने पड़े हुए, क्या बात है। तो ये सफर जो है ऐसा ही जारी रहे, मैं ये कहूँगा। थोड़ा ट्रैक से हटते हैं, हम वर्धमान के बारे में बहुत सारी बातें कर लिया, वर्धमान की पसंद नापसंद भी थोड़ी जान लेते हैं। वर्धमान तो खुद को सुनते हैं, तो सिंगर्स की अगर मैं बात करूँ, रैपर्स छोड़ के सिंगर्स की अगर मैं बात करूँ, कैसे जॉनर के गाने पसंद हैं, किसे सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? दुबई जाते हो तो बॉलीवुड सुनते हो कि और भी कुछ सुनते हो? मुझे ना सिंगर्स बहुत कम पसंद है, क्योंकि मैं लिरिकल गाने बहुत कम सुनता हूँ, मैं म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ। सिंगर्स मुझे आतिफ असलम पसंद है, नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, जुबिन नौटियाल रिसेंटली बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई अपना, किंग रैपिंग और सिंगर दोनों में आता है, किंग एंड सोनू निगम इज ऑलवेज, अरिजीत सिंह, सो ये सारे लोग के मुझे पसंद है, ठीक है। आवाज़ मेरे को श्रेया घोषाल की अभी भी पसंद है, उसकी बहुत पावरफुल आवाज़ है। व्हेन इट कम्स टू बाहर का म्यूज़िक, उसमें मैं जैसे मैंने बताया ट्रेविस स्कॉट, स्नूप डॉग, लिल वेन, बोरिस ब्रेचा, एक टेक्नो डीजे है वो, सो मैं ये सब ज़्यादा सुनता हूँ, ज़्यादा टेक्नो, ज़्यादा म्यूज़िकल, ज़्यादा ट्रैप, ज़्यादा हिप हॉप, क्योंकि कैसा है वो खाली बीट्स रहती है ना, खाली सुनते सुनते हाँ, तो मेरा अपने आप वर्ड्स चलना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो सिंगर्स में यही सारे लेजेंड्स हैं। थोड़ा खान पान की भी बात कर लेते हैं, तो खाने पीने की भी शौकीन है कि मतलब फिट लग रहे हो तो डाइट वाइट भी करते हो कि खाते पीते भी हो मतलब, और सोशल मीडिया पे कितना समय अपना बिताते हो और ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह करते हो? बिल्कुल नहीं नहीं, मैं खुद ही एक गेम हूँ, मैं खुद ही खुद को खेल लूँ वही बहुत है, मम्मी पापा भी नहीं डांटेंगे। सो खाना पीना यस, स्टार्टिंग से मेरी मतलब फूडी है कि नहीं है? तो बहुत हूँ मैं, और स्पाइसी फूडी, मतलब पूरा प्रॉपर नागपुर तरी पोहा, बिना स्पाइस के कुछ नहीं होने वाला है मेरी लाइफ में। तो स्टार्टिंग से मेरे को खाने की तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने काफ़ी अच्छी आदत रखी है, सुबह उठ के खाली पेट ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, स्मूदीज, फ्रूट्स, अच्छा खाना, ये सब तो है ही वहाँ पे। बस मैं ज़्यादातर बस कच्चे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन शेक, इन सब पे रहता हूँ। यहाँ पे जब मैं आता हूँ तब मैं तोड़ के पानी पूरी, समोसा, चाट, छोले भटूरे सब कुछ खाता हूँ, ठीक है। और तरी बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा खाता हूँ। और रही बात खाने के शौक की, खाने का शौक मेरे को सारी चीज़ों का है, ओके, वेजिटेरियन आई एम जैन, तो मैं सारी अच्छी चीज़ें खाता हूँ, क्योंकि अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे अच्छा ही होगा। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सोच समझ के जाओ। बहुत ही खाली समय अपने पास, कुछ भी नहीं करना, तो ऐसे खाली समय में क्या करता है वर्धन? ओके, इसके पहले आपने म्यूजिक के अलावा, म्यूजिक के अलावा, इसके पहले आपने एक और क्वेश्चन पूछा था ना मेरे को कि सोशल मीडिया का टाइम निकालते हो? सोशल मीडिया के लिए टाइम काम के लिए ही निकालता हूँ, बेवजह नहीं निकालता। हाँ, मेरे को टाइम पास नहीं करना सोशल मीडिया पे। मैं बहुत सारे लोग, मैं कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाता है और कर पाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सोशल मीडिया कैसे यूज करता हूँ ना, इट्स अ टूल, यू शुड यूज इट एज अ प्रमोट करने के लिए। हाँ, वो टूल है, वो तुम्हारी लाइफ नहीं है। इट्स वेरी इजी, सुबह उठो, वर्कआउट करो, योगा करो, आपका नाश्ता करो, आप रेडी होके निकलो, और टैक्सी में जब बैठे हो तब आप रील बना लो। मैं वही करता हूँ, मैं टैक्सी में बैठ के जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तब मैं रील बनाता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन रख देता हूँ, वर्क फोन छूट रहता है मेरा, शाम को जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं डालता हूँ, मैनेजर रखना तो मैनेजर रख लो। जब मेरा मैनेजर था तब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार आपको बना के डालना है, फिर वीकेंड पे सबको रिप्लाई कर देना, क्या जिंदगी नहीं मत बनाओ, उसको टूल बनाओ। ये बात सही है ना, तो लोग काम काम बाकी चीजें ज्यादा, आप काम करो, आप सोशल मीडिया पे आप बस ये बैकग्राउंड डालते रहोगे, लेकिन ये बैकग्राउंड पे रखने के लिए भी पिक्चर तो चाहिए ना, और पिक्चर खींचने वाला आर्टिस्ट चाहिए, तो खुद पे काम करो। क्या बात है, फोटो तो ऐसे ही खींच देंगे लोग आपकी, काम खुद पे काम करो बस। क्या बात है, हर किसी के लिए जिंदगी का एक मुकाम होता है, कि एक ध्येय होता है कि यार मुझे ना यहाँ पहुँचना है, सफर तो शुरू हो गया, तो वर्धमान का भी ऐसा ना कोई एम तो होगा कि यार यहाँ पहुँचना है? मुझे ना फ्रेडी मर्क्योर नाम के एक बहुत बड़े सिंगर थे, जिन्होंने लाइव एड कॉन्सर्ट के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था उस टाइम का, दे दिया परफॉर्मेंस, और उनको खुद को HIV था, ओके, ठीक है। सो उसमें 1.5 बिलियन पीपल वर वॉचिंग, क्या बात, उन्होंने
और ये सामने खड़े हुए हजारों लोग कर रहे हैं उसके साथ, वो एक आर्टिस्ट के लिए इतना बड़ा फील होता है ना कि आपके गाने अगर हजारों लोग गा रहे हैं और आप जो बोल रहे हो वो कर रहे हैं, वो फील हमेशा आता है। वो फील को मेरे को टॉप लेवल पे लेके जाना है उन लोग के लिए। कैसे? माई गोल इज उससे बड़ा कॉन्सर्ट करना है, वहाँ पे पूरे दुनिया के लोगों को मेरे को सामने खड़ा करना है। इंडिया, पाकिस्तान, USA, रशिया, जर्मनी, इसराइल, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सब। और जब ये लोग फुल हाइप में डांस कर रहे होगा ना मेरे म्यूज़िक पे, तब मैं एकदम से म्यूज़िक रोक के बोलूँगा कि रोको रुको रुको अभी लड़ो। म्यूज़िक पे डांस क्यों कर रहे हो यार आप? तो अब दुश्मन कंट्री से ना, लड़ो, लड़के दिखाओ थोड़ा सा। नहीं, क्योंकि म्यूजिक में पावर है, इसलिए आप लड़ नहीं रहे हो। आप सब लोग साथ में एक ही बीट पे एक ही स्टेप कर रहे हो। ये बिल्कुल बहुत सही थॉट लगा मुझे वर्धमान का कि म्यूजिक जोड़ देता है लोगों को। क्योंकि आतिफ को सुनो आप, या फिर किसी को भी सुन लो, अरिजीत को सुन लो, मूसा को सुन लो। और मैं वहाँ पे दुबई में रहता हूँ ना, अरे सारी नेशनलिटीज ऐसी रहती है, भाईचारे टाइप। मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस कुछ नहीं समझ में आता है, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे रह के। तो म्यूजिक इज म्यूजिक यार, म्यूजिक किसी नेशनलिटी का थोड़ी है। राइट, म्यूजिक की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। आखिरी सवाल है मेरा कि लाइफ में बहुत कम बार मौका मिलता है उन लोगों को थैंक्स कहने का जिनकी हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो मौका दूँ आज VKB के जरिए, उन लोगों को धन्यवाद कह दूँ, और ये हमेशा रिकॉर्ड में रहे कि तुमने अपनी जिंदगी में जब तुम एक मुकाम पर पहुँच गए तो उन्हें धन्यवाद किया। बहुत सारे लोग हैं सर। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं, बट जितने मुझे आएंगे, क्योंकि बैठना, मैं भी इंसान हूँ, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। राइट, ठीक है, मुझे बैठ के इसने मुझे इस टाइम पे ऐसी हेल्प किया था। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ माय पेरेंट्स, वो तो है ही, वो नहीं होते तो मैं होता ही नहीं, मैं इतना बड़ा तो होता ही नहीं, आते ही नहीं दुनिया में। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स, मेरी छोटी बहन, मेरी फैमिली, दादा की, नानी की, मम्मी की साइड की, सब की, इन लोगों ने सपोर्ट किया। इन लोगों ने कुछ फैमिली ने मेरे को अलग तरीके से पूछ भी किया कि अरे नहीं कर पाएगा, कर रहा हूँ। उनका भी धन्यवाद, उनका भी धन्यवाद, वो बहुत जरूरी है। ब्लेस यू फर्स्ट, उसके बाद मुझे, उसके बाद मेरे सारे दोस्त लोग। अरे वापे, प्रणव माते, प्रीतिश, देवांश, मतलब कितने सारे लोग हैं दुबई में, अतुल, प्रतीक है, अतुल है, और इवेंट कंपनीज है बहुत सारी, करण, आप, थैंक यू, नागपुर, होल नागपुर, क्योंकि रायसोनी, क्योंकि इतना सपोर्ट किया ना इन लोगों ने, इन नागपुर एंड रायसोनी की कॉम्बिनेशन ने फाउंडेशन बना कर दे दिया था मेरे को। थैंक यू मेरे टीचर्स, बहुत सारा सिखाया, बहुत सारा मेरे को पुश किया, मैंने भी पुश बैक किया। थैंक यू फॉर, थैंक यू RJ वेद भाई, थैंक यू द यूनिवर्स, थैंक द गॉड, थैंक यू माई दादा, नानी, नाना, थैंक यू दिस स्टूडियो, थैंक यू दिस मोमेंट। मेरे को सब चीज़ का थैंक यू बोलता हूँ मैं हमेशा। एंड रियली यार, मैं इनफैक्ट मैं पोस्ट डालूंगा सबको मार्क करके भाई, थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। क्या बात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्धमान जो है थोड़ा बिजी है क्योंकि नागपुर आया है, बहुत कम नागपुर आता है, कोई काम हो, किसी से मिलना हो, या फिर कोई इंसिडेंट हो तो तभी आता है, तो बिजी शेड्यूल था, फिर भी शॉर्ट नोटिस पर हमारे लिए आया। अरे नहीं, और हमसे कल ही बात हुई हमारी, एंड ही सेड कि यस आई एम कमिंग, एक रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ, आता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि फ़ोन किया, एक ही फ़ोन करना पड़ा मुझे, ज़्यादा मैसेज मैंने ड्रॉप कर दिया था पहले, बट इसने सीन नहीं किया, मैंने कहा फ़ोन ही कर लेते सीधा इसको, बिजी था बट कॉल बैक आया इसका। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। एंड जो काम कर रहे हैं और तेज़ी से करो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, सभी का आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार मिले। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सॉरी, थैंक यू सो मच, एंड इट्स एप्पल जूस, यो स्क्विड गेम देखना मत भूलना। बिल्कुल, तो आज के इस प्रोग्राम में आशा करता हूँ उन बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा जो मतलब लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं। बस करने से पहले थोड़े पेशेंस रखें और मेहनत करिए, क्योंकि एक दो दिन में कोई कुछ बनता नहीं है, सालों लग जाते हैं और सालों की मेहनत तो होती है। कई बार घर वाले जो है थोड़ी आनाकानी करते हैं, उन्हें कन्विंस कीजिए, समझाइए कि आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर तो शायद रिजल्ट उतना अच्छा ना हो जितना अच्छा ये करेंगे तो होगा। समय तो आ गया है टाटा बाय बाय बोलने का, लेकिन जब भी कोई कलाकार आता है और स्पेशली सिंगर आता है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ते नहीं, और हमारे साथ तो आज रैपर है वर्धमान। तो जाते जाते क्या सुनाओगे? दिल के बहुत क्लोज एक गाना है, जिस दिन पानी नहीं मिला था उस दिन पानी की वैल्यू पता लगी थी, पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस इज़ माई वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ये गाना सिर्फ लिखा है पानी वेस्ट मत करो पे। हगी लपानी गी लगी लपानी,
गीला पानी ये ट्रैप है, अटक जाता है। फिर गीला पानी पानी की कहानी, पानी की जुबानी, जाने अनजाने में हम सब ने पानी की मारी, हर बीमारी का हल था पानी, हर आमियों ने पानी में भी मारी, डाली कूड़ा नाली जहर इन द गीला पानी, पैकेट बिस्किट मारी, गंदे कपड़ा गंदा खाना फेंकने का बहाना, करो शेव करो वेस्ट, पानी से उत्पादन करते उत्पादन में पानी भर के हर घर में, फिर बिजली चमके प्रगति की प्रक्रिया में, प्रकृति की प्रक्रिया की हर पल हरचन हत्या करते, लाइन में लग के बिल भी भरते पैसे पानी की बर्बादी के, होगी मृत्यु आबादी की पानी की महामारी से, तू हिंदुस्तानी किर्गिस्तानी पाकिस्तानी या कहीं का तू सैलानी, सबकी जिंदगानी गीला पानी, पानी की कहानी, क्योंकि पानी जिंदगानी, मैं हूँ गीला पानी उठा लो जिम्मेदारी। सो ऐसा ये बस एक सोसाइटी को देना है, पानी को वापस देना है, कि पानी नहीं वेस्ट करो। क्या बात है, तो एक अच्छा सोशल मैसेज है, पानी वेस्ट मत करो इन शॉर्ट। तो आज के इस देसी कलाकार में बस इतना ही, अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी कलाकार से मिलेंगे जिसने अपने क्षेत्र में यानी कि कला इस क्षेत्र में अपना एक खासा और बड़ा मुकाम हासिल किया होगा। और अगर आप ये फेसबुक और यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो बता दूं कि GTPL के चैनल नंबर 470 और ACN के चैनल नंबर 97 पर हम आते हैं। और अगर आप GTPL या फिर ACN पर देख रहे हैं तो हम फेसबुक और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। देसी कलाकार